जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। साथियों आप लोग को जैसा कि पता होगा कि आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप का डेट जो है वो लास्ट आप लोग का 29 तारीख तक होने वाला है। 29 तारीख को जो है आप लोग का लास्ट फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसके बाद आप लोग का फॉर्म फिलअप नहीं होगा साथियों। जिसका भी करेक्शन होगा वो 30 तारीख से आप लोग का करेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी गलत हुआ रहेगा आप लोग उस तारीख से बाद 30 तारीख से आप लोग अपने करेक्शन जो है फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि आप लोग के पास दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं बचा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। धड़ाधड़ भाइयों, हमारे जो भी हमारे मित्र फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, जाकर के सभी भाई लोग जल्दी से फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट में सर्वर का इशू भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आप लोगों को बतलाने वाले हैं आरआरबी जेई की फॉर्म के रिगार्डिंग कि आप लोगों के लिए सेफ जोन कौन सा रहने वाला है, आखिर आप लोग कौन से जोन में फॉर्म को फिलअप करिएगा तो आप लोग का जॉब जो है वो होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बन जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम इस सेशन में प्रोवाइड करवाने वाले हैं दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स बतलाते रहते हैं प्यारे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बतलाना चाहेंगे कि कौन सा आखिर ऐसा जोन है जहां पर कि कम कट ऑफ जाने की संभावना है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। और अगर आप लोग किसी अन्य ट्रेड से हैं तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। मैकेनिकल का हम पहले बतला चुके हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए डाल दिए हैं। और सिविल का ही थोड़ी देर में हम आप लोग को उसका भी जो है अपडेट देने वाला है कि कौन सा आप लोग के लिए सेफ जोन है दोस्तों। ये हम आप लोग के लिए चार्ट बनाए हुए हैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, पूरी विस्तार से समझाएंगे हर एक कैटेगरी का। देखिए दोस्तों, हम लोग को पूरा ओवरऑल वैकेंसी से कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें अपने कैटेगरी से मतलब रखना है कि आखिर हम अगर जनरल कैटेगरी में है तो हमें जनरल कैटेगरी से कहां पर फॉर्म को अप्लाई करना है, एससी से है तो कहां पर करना है, ओबीसी से है तो कहां पर करना है। सभी कैटेगरी का आप लोग के लिए हम रामबाण सेशन प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। अभी पूरा वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर वॉच करना है किसी भी हाल में। और हाँ, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट भी आप लोग को देना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, ये आप लोग के लिए जो इलेक्ट्रिकल का जो है क्या बोलते हैं नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल का है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिलेगा, मैकेनिकल का भी अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस का भी है भैया, और उसके बाद सिविल का भी है। मतलब आप लोग जिस भी ब्रांचेस से हैं, आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टेक्ट करके नोट्स को ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारे भाइयों का मैसेज आता है कि भैया हम बाहर किराना स्टोर पर कार्य करते हैं, हम बाहर जो है ई रिक्शा चलाते हैं, घर भी चलाते हैं और जॉब भी पाना चाहते हैं, मगर क्या करें कि प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होता है, बुक लेकर के कहाँ कहाँ घूमे भैया। तो आप लोगों के लिए इजिली एक ऐसा नाम मार नोट्स हम दोस्तों प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आप लोग मोबाइल में कहीं पर भी खोल करके आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने तैयारी को मजबूत करके जॉब को ले सकते हैं साल 2024 में दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर छोटा सा आप लोग के लिए हम सैंपल यहाँ पर दिखा दिए हैं किसके लिए, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक छोटा सा सैंपल है, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन है कि उसके बाद देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन कह रहा है कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020। तो उसके बाद देखिए यहां पर हिंदी में भी उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट किया गया है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में होगा। तो ये आप लोग का उस वक्त करंट अफेयर के दौर पर पूछा था, 2019 का क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। इस पर नए पैटर्न पर कितने प्रैक्टिस सेट बन सकते हैं तो वो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये आप लोग का तीन जो है हम पीवाईक्यू का सेट देंगे, तीन पीवाईक्यू का सेट, 15 CBT 2 के लिए प्रैक्टिस सेट, 15 CBT 1 के लिए प्रैक्टिस सेट। ये सारा नोट्स आप लोग को हम प्राप्त करवा रहे हैं बिल्कुल और बिल्कुल एकदम इजी वे में। आप लोग कहीं पर भी मोबाइल पर खोल करके इजीली आप लोग जो है इसको पढ़ करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिए दोस्तों। कौन सा नंबर है तो नंबर को जरूर से जरूर नोट करिए, आप लोग के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं हम, 7870141238। ये आप लोग के लिए नंबर है दोस्तों, नंबर को नोट कर लेना है सभी भाइयों को, 7870141238। ये आप लोग के लिए क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर लेना है और अपना ब्रांच बतला देना है कि भैया हम इस ब्रांच से हैं। और उसके बाद जो है आप लोग को ₹70 पे करना होगा, मात्र ₹70। यानी कि किसी भी शाम का अगर आप लोग भैया पिज्जा बर्गर समोसा छोड़िएगा ना, तो इजीली आप लोग मात्र ₹70 में इस नोट्स को लेकर के अपने तैयारी को आप लोग जो है घर बैठे मजबूत कर सकते हैं और जो है एग्जाम को निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग नोट्स जरूर से जरूर ले लीजिएगा, नंबर को नोट कर लेना है, 7870141238 आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर है। ब्रांच बतला करके नंबर जो है पेमेंट करने के बाद आप लोग को सारा नोट दे दिया जाएगा,
प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। अब आइए अब हम लोग अपने टॉपिक को समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आखिर जो वैकेंसी डिटेल के हिसाब से हम लोग का सेफ जोन कौन सा रहने का संभावना बन रहा है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूआर कैटेगरी का यानी कि जनरल का, उसके बाद एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सभी कैटेगरी का हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए ओवरऑल मैंने सभी को जोड़ करके जो है यहाँ पर सीटों की संख्या को लिखा है, मगर हम लोग को जो है ओवरऑल से मतलब नहीं है भैया, सभी जो सीटों की संख्या कुछ है हमको उससे मतलब नहीं रखना है, सिर्फ अपने कैटेगरी से मतलब रखना है। तो दोस्तों देखिए सभी के दिमाग में चढ़ा हुआ है जनरल कैटेगरी में कि भैया हमें जो है मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी दिख रहा है तो हम मुंबई में सबसे ज्यादा फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ज्यादातर मैंने छात्रों से बात किया, सभी लोगों का यही कहना है कि भैया हम मुंबई में अप्लाई करेंगे, ज्यादातर हमें परसेंटेज मुंबई का ही देखने को मिला। तो मुंबई में आप लोग मत भरिएगा, आप लोग के लिए यहाँ पर जो है ज्यादा कंपटीशन इस बार देखने को मिलेगा जेई में 100% हम आप लोग को बतला रहे हैं दोस्तों। कहाँ पर भरिए अप्लाई करने के लिए, देखिए दोस्तों कोलकाता सही है, चेन्नई सही है, भोपाल सही है, सिकंदराबाद, अजमेर, बेंगलुरु, बिलासपुर और उसके बाद जम्मू श्रीनगर में भी सही है। अगर आप लोग बिलासपुर करिएगा ना तो बिलासपुर को छोड़ करके जम्मू श्रीनगर में कर दीजिएगा, बिलासपुर से ज्यादा बेस्ट हमारे नजरिए से रहने वाला है दोस्तों। ये जितना भी हम अभी आप लोग को सेफ जोन बतलाएंगे ये अपने अनुसार हम बतला रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर मानना है तो मानिए, नहीं तो भैया अगर पढ़ने में भैया महाविद्वान है तो भैया आराम से कहीं पर भी जॉब फॉर्म को फिलअप करिए और आप लोग आसानी से घर पर बैठे बैठे जॉब ले सकते हैं, समझ गए। तो आप लोग अगर विद्वान है भैया तो अपने होम टाउन में भी फॉर्म को अप्लाई करके, अगर बिहार से हैं तो पटना में भी फॉर्म को अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं, यूपी से है तो प्रयागराज में करके अप्लाई ले लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग की मर्जी है, मगर अगर आप लोग मॉडरेट स्टूडेंट है, नॉर्मल है पढ़ने में, तो भैया जहां पर बतला रहे हैं वहां पर फॉर्म अप्लाई करिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं एससी कैटेगरी का बात करते हैं। तो देखिए एससी कैटेगरी में ज्यादा कंपटीशन नहीं रहता है, आप सभी को मालूम है जितना जनरल में पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे जितना उतना भैया एससी कैटेगरी में नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही एसटी में मिलते हैं। तो आप लोग जो है इजीली मुंबई में अप्लाई कर सकते हैं, एससी एसटी वाले जो है मुंबई में अप्लाई कर सकते हैं, कोलकाता दोनों के लिए सेफ है, फिर उसके बाद चेन्नई भी ठीक है, भोपाल भी ठीक है, यहाँ इन सब जगहों पर आप लोग के लिए सीटों की जो संख्या है ना वो ठीक ठाक है, और इधर चंडीगढ़ में भी आप लोग कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके बाद तीसरे नंबर हम लोग को आता है चौथे नंबर पर, 1 2 3 चौथे नंबर पर आता है हम लोग का ओबीसी। ओबीसी में दोस्तों आप लोग जो है मुंबई को छोड़ दीजिएगा, कोलकाता में अप्लाई करिए ठीक ठाक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए चेन्नई, भोपाल, सिकंदराबाद, अजमेर और बेंगलुरु आप लोग अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग अजमेर कर रहे हैं तो अजमेर से ज्यादा बेटर रहेगा हमारे नजरिए से बेंगलुरु में कर दीजिएगा, ज्यादा सेफ रहेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद जम्मू श्रीनगर करिए दोस्तों, चंडीगढ़ करिए, अहमदाबाद करिए, ये सब जोनों आप लोग के लिए जो है सेफ रहने वाला है, मिला जुला करके ठीक ठाक आप लोग को सीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। उसके बाद बहुत ही कम सीटों पर वैकेंसी है, उन सब जगहों पर फॉर्म अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस को मैं आप लोग कहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ज्यादातर सेफ आप लोग के लिए रहेगा दोस्तों। तो आगे समझिए, देखिए कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, सिकंदराबाद, अजमेर और उसके बाद बेंगलुरु, ये जो है आप लोग के लिए मिला जुला करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ठीक ठाक जोन रहने वाली है हमारे प्यारे साथियों। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो ये रहा हम लोग का जम्मू श्रीनगर, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चंडीगढ़ और फिर अहमदाबाद, ये जो आप लोग के लिए कुछ जोन है जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे नजरिए से सेफ रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर जो है अगर नॉर्मल पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं तो फॉर्म को अप्लाई करिए, अगर भैया बिल्कुल भी नहीं पढ़े तो मत अप्लाई करिए, झूठ मूठ का भेड़ करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो अपने जोन में भैया कहीं पर भी अप्लाई करिए, जॉब मिल जाएगा आप लोग को, ये गारंटी है हमारा, ठीक है। तो चलिए ये रहा आप लोग के सामने साथियों पूरा डाटा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग के लिए जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग जोन को चेंज करना चाहते हैं तो इस हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से अपने जोन को जो है करेक्शन के वक्त चेंज कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को जो है नोट्स चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आशा करेंगे कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जय हिंद जय भारत।